पॉलिटिकली उन्हें पॉलिटिकल ना ले, किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी किसने दी, क्यों दी धमकी, कहां से कॉल आया, क्या कोई पप्पू यादव की रैकी भी कर रहा है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। हाल ही में खबर आई है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है, और यह धमकी किसी और ने नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के किसी सदस्य ने दी है। देखिए, इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई का नाम बहुत तेजी से सामने आ रहा है, और इस दौरान उनके नाम का इस्तेमाल भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लॉरेंस गैंग का सदस्य खुद को बता के धमकाने की कोशिश करना, अपनी आमद दर्ज करवाने की कोशिश करना, दबंगई दिखाने की कोशिश करना, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी। और एक वक्त के बाद पता चला कि कुछ फेक कॉल्स भी होते हैं जो कि इस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य खुद को बताकर धमकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को एक कॉल आया, धमकी भरा कॉल आया, जिसमें जान से मारने की धमकी की बात कही जा रही है। और ये कॉल UAE से आया है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो लगातार पप्पू यादव की रैकी कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। पप्पू यादव ने इसकी शिकायत DGP से की है। कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग की तरफ से ये धमकी दी गई है, कॉल UAE के नंबर से आया है, और पप्पू यादव ने कॉल की रिकॉर्डिंग DGP को दे दी है। इस रिकॉर्डिंग में ये दावा किया जा रहा है कि वह लगातार पप्पू यादव के कई ठिकानों की रैकी कर रहे हैं, और उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की जा रही है। कॉल करने वाले ने पप्पू यादव को सलमान खान मामले से अलग रहने के लिए चेताया है, और धमकी देने वाले का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में 1,00,000 रुपये प्रति घंटा देकर जैमर बंद कराकर पप्पू यादव से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पप्पू यादव फोन नहीं उठा रहा है। देखिए, बहुत बड़ा ये दावा है धमकी देने वाले का कि पप्पू यादव लगातार जेल में 1,00,000 रुपये देते हैं जैमर बंद करवाने के लिए, और पप्पू यादव से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव फोन नहीं उठा रहे हैं। धमकी भरा जो कॉल है ये UAE से आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि क्या लॉरेंस ग्रुप इतना ज़्यादा मजबूत है कि किसी भी जेल का जैमर बंद करवा के किसी से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। हालांकि ये तो अब जांच का विषय है, क्योंकि धमकी देने वाले ने ये बड़ा दावा किया है। अब पप्पू यादव क्यों निशाने पर आए हैं ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सलमान खान को लेकर जो विवाद लॉरेंस बिश्नोई का चलता आ रहा है, इस पर कोई भी दखल अंदाजी, कोई भी बयानबाजी, यहाँ तक इस मसले से भी दूर रहे पप्पू यादव, वरना उनको जान से हाथ धोना पड़ेगा। दरअसल पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 कौड़ी का गुंडा बता दिया था। जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, फायर किए गए थे और इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई, तो वहीं 12 अक्टूबर को मुंबई में बाबा सिद्दीकी को गोली लगी, और मर्डर की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली भी, गैंग ने ली। और 13 अक्टूबर को पप्पू यादव का एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आ जाता है, जिसमें वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 2 कौड़ी का गुंडा बताते हैं। और उसके बाद से उनके कुछ भी और भी ऐसे बयान थे जो कि बर्दाश्त नहीं किए जा सकते लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, और यही कारण है कि शायद अब उनको धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। आपको एक बार बता दें कि उन्होंने क्या कुछ कहा था, यानी कि पप्पू यादव ने लॉरेंस गैंग को क्या क्या कहा था वो आपको बता दें। पप्पू यादव ने कहा कि कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव ने अपनी पोस्ट में देश को लेकर विवादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था, यह देश है या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती देकर लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना की मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। ये एक बहुत बड़ा जो पोस्ट था, काफी वायरल हुआ सोशल मीडिया पर,
और ये माना जा रहा है कि इसी पोस्ट के बाद से और उनके कुछ बयानों के बाद से अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आ चुके हैं। देखिए, पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे, सलमान खान से भी बात की और हर परिस्थिति में सलमान खान के साथ खड़े रहने की बात उन्होंने कही थी। और इसके बाद से अब अक्टूबर का आखिरी जो सप्ताह चल रहा है और अब उनको धमकी मिलना शुरू हो चुकी है कि कहीं भी होंगे मारे जाएंगे। सलमान खान के बीच जो विवाद लॉरेंस गैंग का चल रहा है, इससे वो दूर रहें वरना जान गंवानी पड़ेगी। और अब तो एक बहुत बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि पप्पू यादव की रैकी लगातार की जा रही है। वो कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं, ये पूरी रैकी की जा रही है। आपको याद होगा कि जब बाबा सिद्दीकी के ऊपर फायर किया गया था, उस दौरान भी कुछ दिन पहले ही एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी जब उन्हें इस बात का भ्रम एहसास हुआ कि शायद उनकी रैकी की जाती है। तो पहले रैकी की जाती है, उसके बाद किसी भी वारदात को अंजाम दिया जाता है। पप्पू यादव की भी रैकी की जा रही है। अब देखिए, लगातार ये जो खबरें सामने आ रही हैं, 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमला, उसके बाद लॉरेंस गैंग का इस पर कबूलनामा, उसके बाद पप्पू यादव का बयान और पोस्ट, और ये अब कहीं ना कहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के लिए एक बहुत मुश्किल की घड़ी खड़ी हो चुकी है। मुश्किल की घड़ी इसलिए भी बोलेंगे क्योंकि पप्पू यादव कहीं ना कहीं अब डर का माहौल तो है ही। DGP से शिकायत भी की गई है, जो रिकॉर्डिंग है उससे वो भी दी गई है कि किस तरीके से उनको धमकाया जा रहा है। और ये साफ कर दिया गया है कि हालांकि लॉरेंस गैंग ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि जो भी सलमान खान और लॉरेंस गैंग के बीच में आएगा, लॉरेंस बिश्नोई के बीच में आएगा, वो किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। अब ये तमाम खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि पप्पू यादव अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ चुके हैं। परिस्थिति कैसे भी हो, बहुत बड़बोला नहीं होना चाहिए, ये इससे सीख भी मिलती है। और पप्पू यादव के पोस्ट की वजह से, उनके बयानों की वजह से अब वो निशाने पर हैं। वो मुंबई भी पहुंचे थे, उस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी और उस दौरान के भी कुछ बयान ऐसे हैं जो कि लॉरेंस गैंग बर्दाश्त नहीं कर सकता है। UAE से कॉल आ रहा है और रैकी की जा रही है। हालांकि अब पुलिस दावा कर रही है कि सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी ताकि पप्पू यादव की जान को जो खतरा का जो अब शक है, जो अंदेशा है, उससे थोड़ी राहत रहे और उनकी जान सुरक्षित बचाई जा सके। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं ज़रूर साझा करिएगा और बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।